स्वागत है आपका इंडिया न्यूज डिजिटल पर। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। बॉलीवुड के दबंग खान, समझ गए होंगे आप किसकी बात हो रही है इस वीडियो में। सलमान खान पर जो जिंदगी का खतरा मंडरा रहा है वो फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा उसका डर, चूंकि एक बार फिर से दबंग खान को धमकी मिली है। जी हाँ, सलमान खान को एक बार फिर से धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए उनके मैनेजर प्रशांत को धमकी भरा मेल मिला है जिसमें कहा गया है कि अगली बार अब सोचने का मौका नहीं दिया जाएगा और इस बार जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी और भारी हो सकती हैं। इस तरह की बातें मेल में लिखी गई हैं। मैनेजर हैं सलमान खान के प्रशांत, जिन्हें 18 मार्च को ये ईमेल मिला, जिसके बाद उनकी तरफ से 19 मार्च को यानी कि बीते कल पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई गई है, शिकायत दर्ज कराई गई है गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ। ऐसा पहली बार नहीं है जब सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली हो। इससे पहले भी गोल्डी बराड साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग कई बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है जब गैलेक्सी अपार्टमेंट जिसमें कि सलमान खान रहते हैं, जो मुंबई में उनका आवास है, उसकी रेकी भी करवाई गई थी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से। एक बार ऐसा हुआ था कि जो गुंडे बदमाश भेजे गए थे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड की तरफ से, उन्होंने मुंबई में सलमान खान के घर के पास बाकायदा घर भी ले लिया था, रूम भी ले लिया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे क्योंकि जो वेपन्स उनके पास थे उसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं थी और कड़ी सुरक्षा चूंकि उस वक्त सलमान खान के साथ थी, यही वजह थी कि वो कामयाब नहीं हो पाए थे। तो कई बार इससे पहले भी वक्त वक्त पर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड की तरफ से सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई है और एक बार फिर से धमकी भरा ईमेल अब भेजा गया है। और इस ईमेल में कहा गया है कि प्रशांत को यह बात कही गई है कि आपके बॉस से यानी कि सलमान खान से गोल्डी बराड मुलाकात करना चाहते हैं, या तो फोन पर उनकी बातचीत गोल्डी बराड से करवा दी जाए, अगर फोन पर बातचीत नहीं वो करवा सकते हैं तो चाहे तो आमने सामने बिठाकर भी बातचीत हो सकती है, इस पर भी वो विचार कर सकते हैं। यानी कि इस ईमेल में धमकी भरे कहा गया है कि मैटर सॉल्व करने का हम वक्त दे रहे हैं, इसके बाद ये नहीं कहना कि टाइम नहीं दिया गया, इस तरह की तमाम बातों का जिक्र किया गया है। यानी कि गोल्डी बराड की तरफ से एक पेशकश की गई है सलमान खान से बात करने की, सलमान खान से मुलाकात करने की, जिसके बाद सलमान खान के मैनेजर प्रशांत की तरफ से गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। पुलिस भी बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पर आ गई है। सलमान खान के घर के बाहर की सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सलमान खान के साथ सिक्योरिटी पहले से ही मौजूद रहती है, बताया जा रहा है कि उस सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है पुलिस की तरफ से इस नए धमकी भरे ईमेल के बाद।